जीवी वॉटरफॉल। टन टन क्रिस्टल क्लियर वॉटर, क्रिस्टल क्लियर, और अंदर का फीलिंग जो है इसमें अखरोट, आलू ये सब डाला गया है, ट्राउट फिश, इसको मसाले से गार्निश करके फिर फ्राई किया गया है। वेलकम टू जीवी वॉटरफॉल, HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये रास्ता जा रहा है वॉटरफॉल की तरफ, आइए। अभी वेदर थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा और ये पानी का जो साउंड, ये कॉम्बिनेशन इज जस्ट सो। मैंने बोल रही थी कि जी भी एक ऐसा जगह है विच इज़ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। अभी ये जगह देख के भी आपको पता चल ही गया होगा कि ये पूरा जगह में कोई नहीं है सिवाय हमारे। एंड फाइनली फोटो खींचते खींचते हम पहुंच चुके हैं जी भी वॉटरफॉल। टन टन थोड़ा सा आगे चल के मैं देखूंगी। जर्नी बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बट वो हेक्टिक जर्नी के बाद आके ऐसा नज़ारा, सबसे इम्पॉर्टेंट, आज जिस जगह में हम आए हैं जी भी, इट इज़ नॉट एट ऑल कमर्शियलाइज, मतलब यहाँ पे लोकल लोगों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो इसीलिए मतलब इस जगह का एक अलग ही मज़ा है। आप अगर पानी देखेंगे थोड़ा सा पास से, क्रिस्टल क्लियर वाटर, क्रिस्टल क्लियर, एंड ये पहाड़ी वाटरफॉल और उसका जो बूंदे, ओ माय गॉड, सारा दिन का जो थकावट है ना पूरा पूरा खत्म हो गया। चलिए अभी देखते हैं, आज तो और कुछ, मतलब शाम हो रहा है तो ऑब्वियसली आज तो और कुछ नहीं देख पाएंगे, बस आज जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर कल जाएंगे घूमने के लिए। चलिए, तो मुझे देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लोकल खाना मिल चुका है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था भैया से और ये मुझे बना के दिए हैं यहाँ का कुछ लोकल डेलिकेसी, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ सिड्डू, ये बहुत बहुत फेमस है यहाँ का। देखने में तो मोमो जैसा लग रहा है बट इसके मतलब साइज़ भी बहुत बड़ा है और ये पूरा स्टीम्ड है, और अंदर का फीलिंग जो है इसमें अखरोट, आलू ये सब डाला गया है। ये मीठा भी होता है और नमकीन भी होता है, तो ऑब्वियसली टेस्ट करेंगे। पहले मैं आइटम्स बता देती हूँ आपको, और ये है यहाँ का लोकल फिश दैट इज़ ट्राउट फिश, इसको मसाले से गार्निश करके फिर फ्राई किया गया है। तो देख के ही मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। तो ये स्पेशली दिया गया है लोकल डेलिकेसी पटूरे और ये साग का सब्जी, एंड जो चीज़ हम मिस नहीं कर सकते, वाओ, लोकल घी, माय गॉड। तो देख के ही मतलब मुंह में पानी आ रहा है। और दो टाइप का चटनी है ये फिश खाने के लिए, एक आपका ये टमाटर प्याज का चटनी और ये धनिया का चटनी। सो जस्ट डिग इन टू द टेस्ट। अच्छा, सिड्डू को घी से खाया जाता है तो मैं थोड़ा सा घी ले लूँगी ऑब्वियसली।
इसका टेस्ट तो है ही, मतलब इसका तो अलग से मैं बता नहीं सकती, बट घी इसका टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस कर रहा है। इट्स टू गुड, टू गुड। अगर आप कभी भी हिमाचल आ रहे हैं, आई मीन मंडी डिस्ट्रिक्ट यहाँ कहीं पे आ रहे हैं, ऑब्वियसली कहीं से भी आप सिड्डू ट्राई कीजिए, बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको, स्पेशली ये देसी घी। आई एम जस्ट लविंग दिस टेस्ट। अभी मैं टेस्ट करूँगी ये ट्राउट फिश, जो कि बहुत खाने का मन था। वाओ, फिश कितना फ्रेश है, देखिए इसमें थोड़ा सा चटनी डालूंगी। मैं कुछ बता नहीं सकती, चटनी जितना अच्छा है, फिश इतना फ्रेश और एक मीठा सा टेस्ट आ रहा है। इट्स टू गुड, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेश है, ये देख के पता चल रहा है। मतलब हाँ, फिश को फ्राई किया गया है, बट अंदर का आप देखोगे इसका, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। अभी फाइनली पटोड़े। अच्छा, ये रोटी है, अंदर शायद ईस्ट देके इसको फुलाया गया है, इसमें ये साग, लोकल साग। बहुत सादगी है इस खाने में, मतलब साग का टेस्ट पूरा पूरा बरकरार है। प्याज और मिर्ची से फ्राई किया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मसाला ओवर पावर कर रहा है और साग का टेस्ट नहीं है, साग का टेस्ट एज इट इज़ है। और इस रोटी के बारे में मैं क्या बोलूँ, ये तो अलग से बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। हम जब नान खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट कर रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और देखिए इसके अंदर, तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा, बट रियली आई एम वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड कि ये लोग मेरे रिक्वेस्ट रखे और इतना कुछ अरेंजमेंट करके दिए। मैंने सिर्फ सिड्डू और ट्राउट फिश का रिक्वेस्ट किया था, बट उन्होंने मेरा रिक्वायरमेंट रख के ये भी स्पेशली बना के दिए। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू दिस गाइस। सो डिनर हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और आज का दिन बहुत अच्छा गया। सोल के साथ साथ बेली को भी सेटिस्फाई करने का इतना अच्छा मौका मिल गया। आज का ये लोकल खाना, इट वॉज रियली यम। तो बहुत अच्छा था हमारा सेकेंड डे इन ऑर्बिट हिमाचल। बस आप लोगों का साथ चाहिए, तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन, एंड कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना आई कैन नॉट मेक न्यू कंटेंट्स। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, एंड ऑफ कोर्स गेन मेमोरीज एंड गेन कैलोरीज। सो बाय बाय।